नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आज मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ है, तो क्या अब ये जो 2 दिन रह गए एक्सपायरी के, उन दोनों दिन में क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी या फिर कंसोलिडेशन होगा या फिर फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यही चीज़ का हम इस सवाल का हम यहाँ पे आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन चेन डाटा में कितना हेर फेर हुआ है और क्या चौंकाने वाले संकेत यहाँ पे जनरेट हुए हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल मैंने एक वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं, ये फाइनली लाइव सपोर्ट लॉन्च। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो के थ्रू। और इसमें जो हमारी और आपकी जो आपस की जो कनेक्टिविटी है उसको लेके हमने एक यहाँ पे एक एप्लीकेशन बताई है। उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके आप पर्टिकुलर इस सर्वर से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर कि हम कोशिश करेंगे आपकी लाइव सपोर्ट देने की और जो भी मार्केट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट होती हुई दिखाई देगी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लीजिए, ताकि कहीं आप पीछे ना रह जाएं। और लोगों से काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए और आज ही ज्वाइन हो जाइए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से। एब्सोल्युटली फ्री है और आपके बीच में हमारी जो एक कम्युनिटी है उसको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की हम क्लोजिंग देखते हैं, तो ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग के पास आई है, बट 11,600 के नीचे क्लोज किया है। बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कल 11,603 पे क्लोजिंग हुआ था और आज यहाँ पे 11,588 पे क्लोज हुआ है। तो कल की लेवल से देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 15 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है निफ्टी। बट आज का दिन एक अच्छा दिन था, कि अच्छा दिन इस तौर पे था यहाँ पे कि आज कंसोलिडेशन हुआ, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद जाहिर सी बात है कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और कुछ लोग फर्दर बाइंग के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे कोई भी डिप के लिए। तो आज का जो कंसोलिडेशन था वो यही था कि आज आपने देखा कि यहाँ पे जो स्टॉक बहुत ही तेजी से भागे थे, 1-2 दिन में ही 15% 20% के रिटर्न दे रहे थे, तो उन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बट मार्केट में गिरावट नहीं देखने को मिली, ये सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये कल का दिन और परसों का दिन, यानी परसों एक्सपायरी है, तो इन 2 दिन में हो क्या हो सकता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11,500 की। तो 11,500 की जो पुट है यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर कट, यहाँ पे 8,86,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखाई दिया है और 34,98,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। ऑलमोस्ट 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 11,500 की पुट पे, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11,000 के अगर देखा जाए तो यहाँ पे पुट सेक्शन में। तो 11,500 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट में जो आपका इम्पॉर्टेंट जो लेवल होगा वो होगा 11,470 का, जो कि अभी परसों के दिन का जो लो बना था वो। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉल साइड की, तो 11,500 पे अभी भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 18,51,000 का ओपन इंटरेस्ट टोटल खड़ा है, बट यहाँ पे 2.5 लाख का कम होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम 11,600 की बात करते हैं, देखिए 11,600 पे अभी भी 11,600 की जो पुट है यहाँ पे देखिए 21,31,000 का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा है, और वहीं 11,600 की जो कॉल है वहाँ पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यानी ऑलमोस्ट 11,600 पे पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों दबा के अपनी राइटिंग कर रहे हैं और दोनों को इसी बात का प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो पुट में भी 35 पॉइंट यहाँ पे घटते हुए दिखाई दिए और कॉल में भी 22 पॉइंट यहाँ पे घटते हुए दिखाई दिए, यानी पुट राइटर ने भी आज पैसा कमाया, कॉल राइटर ने भी पैसा कमाया, बायर्स ने, जिसने पुट बाय करी उसने भी गंवाया, जिसने कॉल बाय करी उसने भी गंवाया है। अब देखने वाली चीज ये है कि अगर 11,600 के ऊपर टिकता है, आज टिकने में दिक्कत हुई नहीं टिक पाया, बट अगर कल के दिन या परसों के दिन अगर 11,600 के ऊपर टिकता है तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए सिस्टम में तो देखिए 11,200, 11,300, 11,400, 11,500 ये वो हैं जो जिनमें कि राउंड फिगर में देख रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट अब देखो 11,200 पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 11,300 पे 12 लाख, 11,400 पे 10 लाख, 11,500 पे 18 लाख,
काफ़ी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट अभी भी सिस्टम में, यानी काफ़ी शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में है, ये आपको हेल्प करेंगे शॉर्ट कवरिंग का मूव। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि मेरी तरफ से आज भी, जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि 11,550 के आसपास आपको एक कॉल लेके काम करना चाहिए, बट मार्केट कंसोलिडेशन में था तो उस कॉल का ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला यहाँ पे। बट मैं आपको अभी भी यही सजेशन दूंगा कि आप लॉन्ग साइड पे ही काम करिए, और अगर आपको कोई एक, वो कहते हैं ना कि मतलब जो पैसे आप बिल्कुल गवा सकते हो वही पैसे मार्केट में लगाइए, कि जिनका जाने का आपको बिल्कुल दुख ना हो, उसमें आप 11,600 की कॉल लेके काम कर सकते हैं अभी। लेकिन इसका जो प्राइस है थोड़ा सा वो अभी ज़्यादा है, तो अगर आपको ये सस्ती मिलती है और आपको समझ के चलिए आपको करीब 3,000 रुपये तक का अगर इन्वेस्टमेंट लगता है आपका, तो आप इसको बाय करके रख सकते हैं, कि अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो ये आपको 100 तक का टारगेट दे सकती है, बट अभी इसका प्राइस ज़्यादा है। तो वही पैसे लगाइएगा जो आप बिल्कुल भूल सकते हैं कि हाँ यार ये अगर चले जाते हैं तो मेरे को कोई दुख नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक लॉन्ग साइड पे रहिए, और लॉन्ग साइड पे एक और शॉर्ट कवरिंग बन सकती है इस सीरीज में, अदरवाइज फिर ये मार्केट कंसोलिडेट करके नई सीरीज में एक मूवमेंट दिखाई देगा। अब चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा वीक दिख रहा था, बट वीकनेस के हिसाब से देखा जाए तो बैंक भी बहुत तेजी से भागे थे, उनमें प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा था। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखते हैं, देखिए 30,000 ऑलमोस्ट 30183 पे क्लोजिंग आई है, और यहाँ पे आज का जो करीब लो था वो 29,000 के आसपास का बना था, वहाँ से काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखे जाए तो रिकवरी है। बट यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि 30,000 के लेवल से स्टार्ट करते हैं, 30,000 की जो पुट है यहाँ पे अभी भी 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 30,000 की जो कॉल है वहाँ पे 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो कि ऊपर की साइड हो रहा था, जो कि 30,500 पे हो रहा था, तो 30,500 पे अगर बात करें तो 2,65,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। वहीं अगर 30,500 की कॉल की बात करते हैं तो 4,43,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब इसमें देखने की बात ये कि बीच के जो लेवल्स हैं ना, 30,100, 30,200, 30,300, 30,000, इन पे ऑलमोस्ट हर लेवल पे कॉल और पुट एक इक्वल ही राइट हो रही हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर्स हैं वो अभी भी प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस लेवल पे हमें ज़्यादा राइटिंग करनी चाहिए। तो 30,000 का लेवल आपके लिए यहाँ पे ना बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से उछलेगा ना बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से गिरेगा, आपको वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। अगर एकदम से 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो वो थोड़ी देर बाद आपको डाइल्यूट होता भी हुआ भी दिखाई देगा, जैसे कि आज के दिन में हो रहा था। बैंक निफ्टी ऊपर जाता था फिर वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता, फिर ऊपर जाता फिर धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता। तो ये जो कंसॉलिडेशन का पीरियड है यही इसमें रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कंसॉलिडेशन होता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आप लॉन्ग साइड पे रहिए, और लॉन्ग साइड पे भी आपको 30,500 की कॉल लेके काम करना चाहिए। तो अभी जो प्रीमियम है वो थोड़े से ज़्यादा है अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक्सपायरी परसों है, परसों की एक्सपायरी के हिसाब से अभी भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहा है, इसकी वजह से ये प्रीमियम ज़्यादा है। अब एक बार अगर ये वॉल्यूम डिक्रीज होना चालू हो गया तो ये प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो लॉन्ग साइड पर ट्रेड करिए, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को बिना सरदर्दी के काम करना है तो आप ये 2 दिन अवॉइड भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आपको हर दिन ट्रेड करना है और हर दिन पैसा कमाना है, पेशेंस रखिए, आपको जब मौका मिलेगा तब आप पैसा कमा सकते हैं और अच्छा कमाएंगे। बहुत से लोग कमाते हैं और इन्हीं वीडियो को देख के कमाते हैं, क्योंकि वो पेशेंस रख के अपने पर्टिकुलर दिन का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ही वो एक ट्रेड डालते हैं। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।